आज देश के सबसे खूबसूरत राज्य कश्मीर के हालात कुछ सही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जो पत्थरबाज दिख नहीं रहे थे वो अब फिर सड़कों पर हाथ में पत्थर लेकर आ गए हैं, लेकिन अब नए रूप और वेशभूषा के साथ। खबर में आगे बताएं, उससे पहले जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर आज के बदलते भारत की है, उस भारत की जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम देश के युवा का होता है। अगर वो ही युवा हाथ में किताब थामने की बजाय देश के जवानों पर पत्थर फेंकने लगे तो हालात कुछ सही नहीं कहे जा सकते। जरा देखिए, कमर पर बैग और हाथ में पत्थर, ये नज़ारा देश के भविष्य को संकट में डालने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कश्मीर में ताज़ा हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब पत्थर लेकर सड़कों पर आ गए हैं, या यूं कहें कि कश्मीर में पत्थरबाजों के चेहरे बदल गए हैं। क्योंकि अभी तक तो वहाँ पर पत्थरबाजी के नाम पर केवल दहशतगर्द ही होते थे, लेकिन अब इन पत्थरबाजों ने देश की सीमा की रक्षा में खड़े जवानों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि अभी तक दहशतगर्दों के विरोध में कश्मीरी आम लोग भी होते थे, लेकिन इन पत्थरबाजों ने कश्मीर के ताज़ा हालातों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि कश्मीर में ऐसे क्या हालात हो गए जो इन स्कूली बच्चों के हाथ में पत्थर आ गए, या फिर इन बच्चों को कोई बाहरी ताकत इस काम के लिए उकसा रही है। सवाल तो बड़े हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।